और लंच करने के लिए हम पुराने समय की तरह आज भी आए हैं मेफेयर में, और कचहरी चौक पे ये रेस्टोरेंट है। और इस रेस्टोरेंट में मैं बहुत पहले से आता जाता हूँ, तो सोचा मैं कि आज अपने इस वीलॉग में इस होटल को, इस रेस्टोरेंट को मैं फीचर करूँ, क्योंकि मैं कुछ 2 साल तक यहाँ पे अपना शुरुआती समय में मैं कुछ काम किया था जब मेरा भागलपुर डायरेक्टरी हुआ करता था। तो उस समय मेरा मॉर्निंग टू इवनिंग, ब्रेकफास्ट टू डिनर तक इसी रेस्टोरेंट में होता था। इसका मेनू शायद हो सकता है उल्टा दिख रहा होगा, लेकिन मैं एक डिस्क्रिप्शन में इसका एक लिंक डाल दूंगा जहाँ पे कि देख सकते हो। मेनू यार बस सिर्फ 2 पेज का है, और रेस्टोरेंट की तरह जैसे कुछ एक रेस्टोरेंट में हम जाते हैं तो अपने सामने इतना बड़ा एक मेनू का सेक्शन होता है ना कि कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि इसमें से क्या ऑर्डर करना चाहिए और क्या नहीं ऑर्डर करना चाहिए। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो मेनू का जो सिलेक्शन है वो बहुत ही अच्छा है। अब इसमें से देखते हैं कि क्या मंगाया जाए। ये बोन हो जाएगा आपके पास? हाँ, और क्या हो जाएगा उसके साथ, मतलब क्या मिल जाएगा उसके साथ? चिकन चिल्ली बोन हो जाएगा, रोटी हो जाएगी। तो चिकन चिल्ली बोन करवा दीजिए और रोटी करा दीजिए। भागलपुर में वैसे कई भी चीज़ें हैं जिन चीज़ों को कि कवर मुझे करना चाहिए, लेकिन भागलपुर को कुछ और भी चीज़ों के लिए जाना जाता है। जैसे कि यहाँ पे पास में ही एक विक्रमशिला यूनिवर्सिटी है, उन चीज़ों के लिए जाना जाता है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो इधर ईस्ट बिहार में एक बहुत बड़ा एजुकेशन हब है ये, लेकिन अभी जो समय चल रहा है इस समय पूर्णिया भी एक बड़ा एजुकेशन हब के रूप में उभर के आ रहा है, लेकिन उससे पहले और आज भी भागलपुर एजुकेशन हब है। तो देखता हूँ मैं अगर कुछ यहाँ पे जो एजुकेशन इंडस्ट्री में हैं, कई सारे यहाँ पे प्लस टू स्कूल्स हैं, इसके अलावा यहाँ पे कुछ कोचिंग क्लासेस हैं, अगर उनसे मेरी बात हो सकती है। क्योंकि आज से 3 साल या 4 साल पहले 2015 में जब मैं यहाँ पे था तो वहाँ पे मैंने कुछ एक क्लासेस को अपनी सर्विस प्रोवाइड किया था, जैसे कि ये वेबसाइट डिज़ाइनिंग का, डिजिटल मार्केटिंग का, बल्क SMS का। तो उनसे मैं बात करने की कोशिश करता हूँ, यदि उनसे मेरी बात हो जाती है तो मैं उनके भी कुछ वीडियोस यहाँ लेके आऊँगा। साथ ही मैं एक वीडियो जो लास्ट वीडियो होगा उसमें मैं पूरा सिटी का एक टूर एक वीडियो में कवर करके दूंगा। तो फ़िलहाल अभी तो लगी है भूख, तो सबसे पहले पेट पूजा, उसके बाद काम दूजा। आ चुके हैं हमारे नवीन भैया, यही इस रेस्टोरेंट के प्रबंधक, मैनेजर, मालिक, जो कह लो। रेस्टोरेंट आप कब से चला रहे हैं? 20 साल हो गया। 20 ईयर्स? 20 ईयर्स। तो अभी जैसा दिख रहा है, अभी जो मतलब लुक है, इंटीरियर है या बाहर का जो कुछ भी है, ऐसा ही था या उस टाइम कुछ अलग था? नहीं, उस समय तो सिंगल था, छोटा था। अच्छा, मतलब ये भी दो पार्ट हाफ, में है ना? हाफ था इसका, जस्ट हाफ था, हाफ नहीं वन, उससे भी छोटा था, लेकिन अब ये हो गया दुगना और धीरे 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 सब चीज़ बढ़ते चला गया। आप रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में आए कैसे? शौक, मैनेजमेंट भी मैंने किया है, होटल मैनेजमेंट। अच्छा, कोर्स आपने कर रखा है? कहाँ से? रांची से। ओके। आपके रेस्टोरेंट में मुझे तो खैर बोन पसंद है, चिल्ली। आपके यहाँ का फेवरेट क्या है? यहाँ का चिकन टिक्का मसाला आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। ओके। और चिकन लाल परी भी अच्छा है, चिकन बूटी कबाब, चिकन मलाई कबाब, यहाँ का नान वगैरह बहुत स्पेशल आपको मिलेगा, क्योंकि मेरे यहाँ कारीगर जो बनाने वाले हैं ना वो भी बहुत ओल्ड पुराने बड़े बड़े होटलों को, यानी एक बार बहुत दिन पहले मैं आपके किचन में गया था तो पता नहीं वो सीख में ना कुछ चिकन का पीस था और
अंडा को उसके ऊपर फेंटा गया, उसमें डाला गया, वो क्या था? चिकन रेशमी कबाब था, तो वो सब चीज़ आपको अच्छा मिलेगा। चिकन रेशमी कबाब, चिकन बूटी कबाब, चिकन मलाई कबाब, चिकन टिक्का मसाला, चिकन लाल परी, चिकन चिल्ली। अच्छा, एक चीज़ मुझे टू बी ऑनेस्ट बताइएगा कि मार्केट में कई सारे रेस्टोरेंट हैं, अगर प्राइस कंपैरिजन किया जाए तो आपका क्या है? आपका मॉडरेट प्राइस है? कोई खास अंतर नहीं रहता है, सबका प्राइस लगभग एक ही है। ओके, और हमारा तो और सस्ता, हम तो कैलकुलेट करके सब दाम उम सब चीज़ रखे हुए हैं। हाँ। कोई महंगा वगैरह कुछ नहीं है। आप उसको जब खाएंगे, 8 पीस का चिकन चिल्ली लेंगे या चिकन टिक्का मसाला लेंगे, तो प्राइस से भी निकालेंगे दूसरे रेस्टोरेंट के बनस्पत भी, तो आपको सस्ता ही पड़ेगा और अच्छा पड़ेगा। आप पार्टी वगैरह करवाते हैं क्या? पार्टी भी करवाते हैं। थाली वगैरह आप लेंगे तो 190 से स्टार्ट है, उसमें 8 आइटम रहेगा। बुफे खाना भी खा सकते हैं, 350 रुपये में वेजिटेरियन खाना है, नॉन वेजिटेरियन भी लगभग उसी का रेट में आता है, आइसक्रीम कोल्ड ड्रिंक सब चीज़ आता है। इसके अलावा मेरे पास केक वगैरह का भी सेगमेंट है, जो मेरे यहाँ ऑफर हमेशा चलते रहता है, 1000 रुपया खाना खाइएगा तो एक केक हम लोग की ओर से कॉम्प्लीमेंट्री फ्री मिलेगा आपको। मतलब ये बर्थडे टाइम पे, बर्थडे हुआ, एनिवर्सरी हुआ, कोई भी आदमी अगर 1000 रुपये का बिल बनाता है तो उसको कॉम्प्लीमेंट्री केक मिलेगा। 1000 रुपीज़ की बिलिंग होती है, तो 1000 रुपीज़ के बिलिंग पे एक 1 पाउंड का या हाफ पाउंड का, हुआ 1 पाउंड का, 1 पाउंड का केक इनके तरफ से कॉम्प्लीमेंट्री फ्री मिलता है, मेफेयर की ओर से गिफ्ट रहता है। इसके अलावा मेरे पास अपोलो हेल्थ इंश्योरेंस का कार्ड दिखाएंगे तो 15% हमेशा डिस्काउंट मिलेगा। सो डिस्को कार्ड भी चलता है, सहारा कार्ड भी चलता है। जी, आपके मेन्यू में बहुत सारा आइटम है, जैसे आप बताए कि ये चीज़ लोगों को पसंद है, आपको क्या पसंद है खाने में? हमको तो वेजिटेरियन एक पालक पनीर बहुत पसंद है, पालक पनीर बहुत मिलता पसंद आएगा। मटर पनीर आप खा सकते हैं, पनीर दो प्याज खा सकते हैं। आपको क्या पसंद है? पालक पनीर मेन्यू में है। तो आप पहले बताए नहीं, मैं बताइए, मैं चिकन चिल्ली ऑर्डर कर लिया, नॉन वेजिटेरियन होगा, नॉन वेजिटेरियन खाना है। ओके, और नॉर्मल जैसे कि मैं देखता हूँ कि लोग आज की डेट में बर्थडे वगैरह सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो वो चाहते हैं कि उनको मिडनाइट में केक वगैरह की डिलीवरी हो जाए, होता है ऐसा है। अब आपका जैसे ये बेकरी आइटम है, आप केक वगैरह का काम करते हैं, तो क्या आप मिडनाइट में डिलीवरी देते हैं क्या? होता है। इसके लिए लोग कैसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं? जब भी मेरे आप गूगल वगैरह पर जाएँ और मे फेयर खोलेंगे, रेस्टोरेंट इन भागलपुर या बेकरी इन भागलपुर, तब तो सबसे पहले मेरा ही नाम मिलेगा। अच्छा, आप वहाँ पर से ऑनलाइन ऑर्डर दे सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं, फ़ोन करके ऑर्डर दे दिया तो समय पे मेरे बंदे जो हैं आपके डिलीवरी कर देंगे। अच्छा, पेमेंट का क्या है कि पेटीएम कर दीजिए या अकाउंट में भेज दीजिए? पहले करना होगा या पहले करना होगा मतलब टोटल प्री पेमेंट वाला ऑप्शन है? वो जाएगा, जाएगा ही वो आपका पैकिंग, आपका ऑर्डर जाएगा जो मिडनाइट में अगर कोई करता है तो मिडनाइट में जाएगा। और भागलपुर के नाम के साथ आजकल स्मार्ट सिटी जुड़ गया है, इस पे आपका क्या कमेंट है? क्या शहर स्मार्ट है? स्मार्ट तो नहीं है, हम लोग स्मार्ट बनाने का कोशिश कर रहे हैं, नए नए रेस्टोरेंट खोल रहे हैं, नया नया खुल रहा है। मैं देख रहा हूँ शहर में तो रेस्टोरेंट भर गया है, बहुत सारा रेस्टोरेंट हो गया शहर के अंदर, बहुत ज़्यादा हो गया। अभी कुछ एक ऐसे भी लोकेशन है, लेकिन भागलपुर का एक लोकेशन है आपका, ये जो भोलानाथ पुल है, पुल के आगे का लोकेशन है, आज तक उस लोकेशन में कोई रेस्टोरेंट क्यों नहीं आया? रेस्टोरेंट आया तो है नहीं, मैं भी शहर को देख रहा हूँ, धीरे धीरे परिवर्तन होगा, धीरे धीरे परिवर्तन होगा, लोग अब इस ओर फास्ट फूड खाने की ओर अग्रसर हो रहे हैं, टेस्ट बदल रहे हैं, तो यहाँ जोमेटो भी आ गया, जोमेटो भी डिलीवरी डालता है, आप अब धीरे धीरे लगाएंगे तो कल्चर थोड़ा चेंज होगा। तो क्या आप भी जोमेटो के साथ एसोसिएट हैं क्या? मेरा है जोमेटो के साथ भी एसोसिएट है, कहीं से आप जोमेटो पे भी ऑर्डर मेफेयर का डाल सकते हैं, रोटी मेफेयर का डाल सकते हैं, जोमेटो का आपका जोमेटो से भी पहुँच जाएगा। मेफेयर का उसमें ऑप्शन भी है, बहुत सारे केक हैं, बटर क्रीम के हैं, ब्रेस क्रीम का है, वो सब भी, खाना उना भी कुछ लेना चाहते हैं वो भी आप उससे ऑर्डर दे सकते हैं। और ये जो कॉर्पोरेट थाली वगैरह का भी आप काम कर रहे हैं? थाली का 190 से स्टार्ट है, 190। अच्छा, जो आप उससे पहले बताए थे। अभी भी अपोलो का ऑफिस ओपनिंग है, उसमें भी सारा। अच्छा, अपोलो की ऑफिस की ओपनिंग कब है? 11 तारीख। अभी कोई एक लड़का था ना जो अपोलो में, वो है क्या रेस्टोरेंट में अभी? हाँ, कौन है? यहाँ के मैनेजर साहब हैं, गौरव सिंह नाम है। गौरव सिंह,